नमस्कार, मैं हूँ रेवती राजीवन और मैं इस वक्त खड़ी हूँ कोल्लम के पुतिंगल मंदिर के सामने, जहाँ हादसा हुआ आतिशबाजी से। और इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 300 लोग घायल हुए। हादसा हुआ रविवार सुबह 3:30 बजे को। आस्था के मंदिर में ये घनघोर लापरवाही की आग है। भक्ति की चौखट पर मौत बांटने वाली ये आग है। मन्नतों के दरवाजे पर सैकड़ों परिवारों की तबाही की आग है। आतिशबाजी की जबरन परंपरा से निकली ये वो आग है जिसने कई घरों में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। ये तस्वीरें हैं केरल के कोल्लम जिले के पुंतिगल मंदिर के। बीती रात यहां जमकर आतिशबाजी हो रही थी और उसी दौरान एक चिंगारी उस जगह गिरी जहां पटाखों का ढेर था। देखते ही देखते आतिशबाजी की रोशनी आग के भयानक गोलों में तब्दील हो गई। रात के अंधेरे में हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे। करीब 15,000 लोग नए साल का उत्सव मनाने आए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि सूरज उगने से पहले ही यहां सैकड़ों की जिंदगी का सूरज डूबने वाला है। The idea is that whenever there is a firecracker display or something, that should be in a very open ground. Here, I think that there are a lot of buildings around this particular place, so it can't be said as a open ground. हजारों की भीड़ के बीच ऐसे खुशकिस्मत बेहद कम लोग थे जो वहां से सुरक्षित बाहर निकल पाए। सुबह जब रोशनी में भयानक हादसे की तस्वीरें आई तो ये साफ हो चुका था कि परंपरा की आतिशबाजी ने कितना बड़ा नुकसान किया है। 100 से ज्यादा जाने चली गई, करीब 300 लोग आतिशबाजी की आग में झुलस गए। सिर्फ 4 दिन है केरला के नए साल शुरुआत होने के लिए और इस खुशी के बीच में जो आतिशबाजी बाजी का इस्तेमाल करते हैं, ये देखने के लिए हजारों लोग मौजूद होते हैं। और इसी में एक हादसा हुआ, वो अग्निकंड का आप असर देख रहे हैं मेरे पीछे, जो तबाही हुआ है और कई लोगों को करीब 300 लोगों जो घायल हुए उसे लेकर गया है। मौत की संख्या और भी बढ़ सकता है। रात के सन्नाटे को मंदिर में नए साल का जश्न तोड़ रहा था। यहाँ सदियों की ऐसी परंपरा चल रही है कि दो पक्षों में आतिशबाजी का मुकाबला होता है। रात करीब 3:30 बजे इतना तेज धमाका हुआ कि 2 किलोमीटर दूर तक इसकी जानलेवा गूंज सुनाई पड़ी। ഇവിടുന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പയ്യൻ ഓടി വരുന്നു, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പയ്യൻ ഓടി വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകുതി കൈ മുറിഞ്ഞു, പകുതി കൈ അദ്ദേഹം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറേ എൻ്റെ കൈ അറ്റുപോയി എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ 1-2 പേര് ആ പയ്യനെ ഒരു ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വിട്ടിട്ട്. മൽബേ കാ യേ ഢേർ കൽ തക് ഇമാരത് ഹുവാ കർതാ ഥാ, ലേക്കിൻ സൈക്കഡോ സാൽ സേ ചലി ആ റഹി പരമ്പരാ കേ പടാകേ അചാനക് മൗത് കേ ജ്വാലാമുഖി മേ ബദൽ ഗയേ। अब यहाँ बचा है तो सिर्फ मलबों का ढेर और तबाही की ऐसी निशानियां जो हमेशा एक टीस पैदा करती रहेंगी। रविवार की अल सुबह आतिशबाजी के दौरान लगी आग कितनी भयंकर रही होगी, इसका सबूत ये पर्स, ये पैसे, ये चप्पल, ये मोबाइल, ये गाड़ियों की चाबी और ये बिखरे सामान है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह लोगों के झुलसे शरीर के टुकड़े हैं, जैसे तैसे इन्हें हटाया जा रहा है। कुछ देर पहले तक जो श्रद्धालु थे उनमें कईयों की लाशें इस कदर झुलसी हुई है कि पहचान करना मुमकिन नहीं। इस घटना की तीव्रता इस बात से समझिए कि 12 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंच गए। बीच पर सवार भक्त सोचते थे कि आतिशबाजी की चमक उनकी जिंदगी में उजाला लाएगी, लेकिन एक चिंगारी उठी और उसमें उठी प्रचंड आग में सैकड़ों जिंदगियां ही भस्म हो गई। केरल के कोल्लम से रेवती राजीवन के साथ आज तक ब्यूरो।
यहाँ आतिशबाजी के लिए जो पटाखे ला गए थे वो कोई छोटे मोटे पटाखे नहीं थे, इतने बड़े और इतने सारे थे कि वो बचाव का काम भी बहुत मुश्किल निकला। जहां मंदिर में भक्ति का घंटा बजता था वहीं चीख पुकार और चित्कार मची थी। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर कोल्लम के पुंतिगल मंदिर में लगी आग में 300 से ज्यादा लोग झुलस गए। अब चुनौती उन्हें बचाने की है। मंदिर में आग की लपटों ने देखते ही देखते मंदिर प्रशासन की इमारत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। जैसे तैसे सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूंकि कोल्लम छोटी जगह है लिहाजा ज्यादातर घायलों को त्रिवेंद्रम रेफर किया गया। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज का इंतजाम देखना शुरू कर दिया। पुंतिगल मंदिर से उठी चित्कार दिल्ली को भी सुनाई पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि से नेवी के 3 छोटे जहाज दवा और दूसरी जरूरी चीजें लेकर यहां पहुंचे। सर्जिकल टीम को अलर्ट पर रखा गया। वायुसेना के MI-17 और ALH समेत 4 हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव कार्य में लगाए गए हैं। NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, जबकि 200 जवानों को अलर्ट पर रखा गया है। INS गाबरा, कालपेनी और INS सुकन्या को भी कोल्लम भेजा गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में जाकर मरीजों का हालचाल जाना। इस बीच हमदर्दी का सियासी मरहम लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया, तो राज्य की ओमान चांडी सरकार ने 10-10 लाख रुपए का। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को घायलों के इलाज के लिए जरूरी निर्देश दिए, जिसके बाद नड्डा भी केरल पहुंचे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी तरफ से पीड़ितों को भरपूर मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री चांडी ने तो यहां तक कहा कि जरूरी हुआ तो घायलों को दिल्ली मुंबई भी शिफ्ट किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि पुतिगल मंदिर में जब आतिशबाजी करने की परमिशन नहीं दी गई थी उसके बावजूद आतिशबाजी हुई है, और जो असर हुआ है वो इतना घातक हुआ है कि वहाँ की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, उसके नीचे कई लोग दब जाते हैं और कई लोगों की मौत होती है। तो सवाल कई है, लेकिन इस वक्त बस एक ही जगह पे लोगों का फोकस है कि ट्रीटमेंट लोगों को अच्छा मिले, अंदर जितने भी मरीज एडमिट हैं उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाए। इस बीच त्रिवेंद्रम से कोल्लम तक तमाम हेल्पलाइन खोल दिए गए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सेना मिलकर जिस तरह इस मुश्किल की घड़ी में पीड़ितों के लिए राहत लेकर खड़ी हुई है, उससे उम्मीद है कि घायलों को बचाना आसान हो जाएगा। कोल्लम में रेवती राजवन के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, त्रिवेंद्रम आज तक। आतिशबाजी की तैयारियां बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि उसकी इजाजत उसने नहीं दी थी। तो सवाल ये उठता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन है। मौत की आतिशबाजी ने सबको हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक दुखी है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अस्पताल पूरी तरह अलर्ट पर हैं। दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक दर्द और शोक का एक ही भाव है। अस्पतालों में आग से झुलसे लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सवाल है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। सदियों से चली आ रही परंपरा अचानक स्वाहा कैसे हो गई। तो अब ये सवाल ये उठता है कि कौन दिया इसको परमिशन, टेंपल अथॉरिटीज को परमिशन, मंदिर के लोगों को परमिशन ये इतनी धूमधाम से ये कार्यक्रम चलाने के लिए। बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन देगा, कौन लेगा जिम्मेदारी इतने लोगों की मौत और इतनी बड़ी हादसा का। ये सवाल उठ रहा है कि पुतिंगल मंदिर में मौत का जिम्मेदार कौन है। अस्पताल में भर्ती लोगों के जख्म का दोषी कौन है। अपने करीबियों को खो चुके लोगों के दर्द का हिसाब कौन देगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस समारोह के दौरान हादसा हुआ उस आतिशबाजी की इजाजत प्रशासन से ली ही नहीं गई थी।
केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी के दफ्तर के मुताबिक मंदिर परिसर में पटाखों को रखने या उनके इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी, इसलिए सवाल उठता है कि बिना प्रशासन की अनुमति के इतना बड़ा आयोजन कैसे हुआ। बिना इजाजत मंदिर परिसर में इतनी मात्रा में आतिशबाजी की तैयारी कैसे हो गई। मंदिर प्रशासन में देर रात हजारों लोगों की भीड़ जुटने की खबर प्रशासन को पहले कैसे नहीं लगी। मंदिर परिसर में आग से बचने के पर्याप्त और जरूरी उपाय क्यों नहीं किए गए। अब हादसा हुआ तो मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन मौत तो 3 घंटे में अपना काम कर गई। जांच की रिपोर्ट 6 महीने में आएगी। दरअसल मंदिर परिसर में होने वाली आतिशबाजी रुकवाने के लिए डीएम से पंकज नाम के एक शख्स ने अपील की थी। इसके बाद ही आतिशबाजी की इजाजत नहीं मिली, लेकिन परंपरा के चक्कर में न लोगों की जिंदगी की चिंता की गई न कानून की। कोल्लम में रेवती राजीवम के साथ वीरेंद्र सिंह घुनावत, तिरुवनंतपुरम आज तक। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे मंदिर की इतिहास और आतिशबाजी का परंपरा, देखते रहिए आप। सैकड़ों लोगों की मौत से ये मंदिर सुर्खियों में है, लेकिन इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। देखिए आज तक रिपोर्ट। बारूदी आग की लपटों से इस मंदिर का एक हिस्सा भी बर्बाद हो गया, लेकिन इसकी आस्था सदियों पुरानी है। पुत्तु मलयालम का शब्द है जिसका मतलब होता है पहाड़ी। यहाँ के लोगों का मानना है कि पहाड़ी पर बने इस मंदिर में साक्षात देवी का वास है। ये मंदिर करीब 500 साल पुराना माना जाता है। यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा की जाती है और उसी पूजा का हिस्सा आतिशबाजी की प्रतियोगिता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आतिशबाजी की यह परंपरा भी कम से कम 100 साल पुरानी है, लेकिन आतिशबाजी की यह परंपरा बगैर प्रशासन के इजाजत के निभाई जा रही थी और इसका अंजाम क्या हुआ ये आपके सामने है। आज तक ब्यूरो। इस भयानक आग और उससे जुड़े हुए खबरें हम आप तक पहुंचते रहेंगे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही।